नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वृहद गौ आश्रय स्थल को लेकर बैठक करेंगे, प्रस्तुतिकरण बैठक में सीएम शामिल होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम मुख्यमंत्री के क्या कुछ रहेंगे, एमएसएमई बुनकर योजना को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ पेयजल योजना को लेकर भी जो बैठक है वो यहां पर की जाएगी। सीएम योगी 2 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर, उद्योगपतियों को सीएम योगी आमंत्रित करेंगे। सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। फिलहाल आपको बता दें, वृहद गौ आश्रय स्थल को लेकर बैठक आज मुख्यमंत्री करेंगे। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, आज सुबह उनका लोकभवन में एक वृहद गौशाला को लेकर एक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें तय होगा कि हर जिले में किस तरह से गौशालाओं को खोलना है वृहद स्तर पर, और वहां पर उनकी जो रक्षा की जाए उनके जीवन की, वहां पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल आज बड़ी बैठक है इस पर, और जो गौ सेवा से जुड़े जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जो मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा तय होगा कि हर जिले में जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ ही इस वृहद गौशाला को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर आज इस पूरी बैठक को आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल, जानकारी यहाँ पर ये भी है तौकीर, क्योंकि एमएसएमई बुनकरों के लिए नई नई योजना जो है प्रदेश में चलाई जा रही है। लगातार प्रदेश सरकार भी इस पर पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जो छोटे उद्योग हैं उन्हें किस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए, और समय समय पर इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री बैठक करते रहते हैं। तो आज भी एमएसएमई बुनकर योजनाओं को लेकर बैठक होनी है अधिकारियों के साथ। देखिए, इसको लेकर लगातार कोशिशें देखने को मिली हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये फिर से दोबारा बनी भाजपा की सरकार हो। एमएसएमई को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संकल्प है वो नजर आता है, क्योंकि लगातार उन्होंने छोटे बुनकरों के लिए काम किया है, कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे इनको लाभ होता है, कई ऐसे लोनिंग की स्कीम्स हैं जिसके तहत ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज भी इनके साथ ये इनके और भविष्य के लिए बेहतर तरीके के लिए क्या और किया जा सकता है, उसको लेकर बैठक किया जा रही है, बैठक आयोजित की गई है। बुनकरों के लिए खासकर कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं लखनऊ में खासकर, जहां पर उनको और कैसे बेहतर रोजगार से जोड़ा जाए, इसको लेकर भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, शुरुआत की गई मुख्यमंत्री के तौर पर। आज भी बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बुनकरों की समस्या लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि जिस तरह से मशीनरी सिस्टम आया उसके बाद से बुनकरों की समस्याएं बढ़ गई थी। दूसरी ओर जो भाजपा पसमानता समाज की बात करती है, वो मुस्लिम का पसमानता समाज भी इसी बुनकर समाज से आता है। तो फिलहाल जिस तरह से लगातार कोशिशें चल रही हैं कि भाजपा से जोड़ा जाए ऐसे बुनकरों को, तो उनकी समस्याओं को हल करना होगा, इसी के चलते आज फिर इस बैठक को बुलाया गया है। बिल्कुल, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी आज बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये पूरा कार्यक्रम है। जानकारी यहाँ पर ये है कि 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे, क्योंकि वहाँ पे उद्योगपतियों के साथ भी जो बैठक है वो यहाँ पर करेंगे। सीएम योगी आमंत्रित करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण के रास्ते जो है वो यहाँ पर बन सके उद्योगपतियों के लिए, बाहरी निवेश बढ़े। देखिए, अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और अधिकारी थे जो विदेशी दौरे पर थे, कई ऐसे उद्योगपतियों से मिलकर आए, वो जो एनआरआई थे जो वहां पर रह रहे थे और बड़े कारोबार कर रहे थे, खासकर उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने न्योता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी आके कारोबार करें। फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टर समिट होना है, बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो सकता है लखनऊ में, इसी के चलते लगातार जो मंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लखनऊ खासकर उत्तर प्रदेश लाया जाए, उनको जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको पूरी सहायता की जाएगी। इसी के चलते आज उनका मुंबई दौरा है और वहां पर वो उद्योगपतियों से मिलेंगे और वहां पर उनको बताएंगे कि क्या बेहतर अवसर पैदा किए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको पूरा करने के लक्ष्य में लगातार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिए तो फिर आप हमारे साथ। और फिलहाल एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दे लखनऊ से ही, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जी हाँ, बता दें आपको, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, एसएलपी पर आज मामले की सुनवाई जो है वो करेगा
तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। और तौकीर किदवई संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में जिस तरह से फैसला दिया गया, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि एक ओबीसी स्थानीय निकाय समर्पित आयोग का गठन किया जाए और उसके अलावा 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार दुविधा में थी। फिलहाल इस समय आयोग का गठन कर दिया गया है, राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, रिटायर्ड जस्टिस है। इसके अलावा सरकार ने एक SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और अपील की है कि चुनाव को टाला जाए फिलहाल, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता तब तक चुनाव कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी जब हमने बात की थी राम अवतार सिंह से तो उनका भी कहना था कि अगर बहुत कम समय लगेगा तो भी 3 महीने के अंदर हम अपनी रिपोर्ट सौंप पाएंगे सरकार को, उसके बाद उसमें जो भी संशोधन की स्थिति होगी या आरोप प्रत्यारोप का जो भी दौर होगा वो 3 महीने का लगेगा, उसमें भी समय लग सकता है। तो फिलहाल 6 महीने से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है, इसीलिए एक सरकार की तरफ से SLP फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और अपील की गई है कि चुनाव को कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए, ताकि इस आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आरक्षण नीति को तय किया जा सके, क्योंकि जो 27% आरक्षण सरकार की तरफ से दिया गया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और सभी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराने का आदेश दिया था। फिलहाल इसको लेकर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सक्रिय हो गए थे। ओबीसी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, इसी को लेकर चाहे भाजपा हो, भाजपा के अलावा चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सभी ने इस पर मुखर होकर आवाज उठाई है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि ये सिर्फ ओबीसी आरक्षण छीनने का एक तरीका है सरकार का, भाजपा आरक्षण नहीं देना चाहती है, पहले नौकरियों से आरक्षण छीना, अब सत्ता और चुनावों से भी आरक्षण छीना जा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता जो पट्टी विधानसभा के राम सिंह पटेल हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए उन्होंने एक याचिका दायर की। इसके अलावा अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पिछला वक्त प्रकोष्ठ ने भी एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और अपील की है कि जो आरक्षण है ओबीसी का उसको लागू किया जाए, क्योंकि बिना उसके चुनाव न कराया जाए। फिलहाल घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में ओबीसी को अपनी ओर खींचने को लेकर, लगातार सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि ओबीसी जो वर्ग है वो उनके साथ बना रहे, क्योंकि 52% की आबादी वाला ये वर्ग जिसके साथ में जाएगा, यानी कि यकीनन सत्ता उसी की होगी। बिल्कुल, और तौकीर जानकारी ये भी मिल रही है कि सपा भी ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सपा ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। देखिए, आपको बताया मैंने कि पहले राम सिंह पटेल हैं जो पट्टी विधानसभा के विधायक हैं, प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से, उन्होंने पूर्व सरकार में मंत्री रहे मोती सिंह को चुनाव हराया था। राम सिंह पटेल ने ही सबसे पहली एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसने भी ये याचिका दायर की है, यानी कि 8 याचिकाएं बताई जा रही हैं अब तक दायर की गई हैं ओबीसी आरक्षण बचाने को लेकर। अब आज सुनवाई होगी, माना यह भी जा रहा है कि SLP जो सरकार की तरफ से फाइल की गई है अगर उसकी लिस्टिंग हो जाती है तो उसी तारीखों में ये सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब देख का कहना होगा कि जब सारे मुद्दे एक ही हैं, सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं तो फिर सुनवाई भी एक ही तरीके से की जाएगी। तो फिलहाल देखना होगा अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के को लेकर, जो कि आज यूपी में उसका दूसरा दिन है। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में बागपत से शुरू हुई यात्रा, जी हां, बागपत के बवीकला गांव से यात्रा शुरू हुई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, समर्थकों में भारी उत्साह दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जयंत चौधरी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में बागपत से यात्रा जो है वो शुरू हुई, बागपत के मवीकला गांव से यात्रा जो है वो शुरू हुई है। दूसरा दिन है आज यूपी में इस यात्रा का, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, समर्थकों में भारी उत्साह जो है वो दिख रहा है। कड़कड़ाती ठंड में बागपत से यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, बागपत के मवीकला गांव से
यात्रा शुरू हुई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। समर्थकों में भारी उत्साह दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जयंत चौधरी। तो आपको बता दें, समर्थकों में भारी उत्साह और बेहद महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी। तो कड़कड़ाती ठंड में बागपत से यात्रा शुरू हो चुकी है। तो दूसरा दिन आज यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई, दक्षिण से शुरू हुई ये यात्रा जो है, अब इसका पड़ाव यूपी में आ पहुंचा। यूपी में आज दूसरा दिन इस यात्रा का, और अब ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, क्योंकि कश्मीर तक जाएगी तो जाहिर तौर पर अब ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। यूपी में दूसरा दिन इस यात्रा का, जो कि दूसरे दिन की शुरुआत इस यात्रा की हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़कड़ाती ठंड में आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों के साथ, तमाम जो नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं वो इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत मकसद के साथ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस यात्रा से जोड़ना है, यही मकसद भारत जोड़ो यात्रा का है। यूपी में कल जब एंटर की ये यात्रा, तो भी आपने देखा किस तरीके से मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बात का जिक्र किया और राहुल गांधी के हौसले की तारीफ उन्होंने की। और फिलहाल अब ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ चली है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जयंत चौधरी, समर्थन जो है कई स्थानीय दलों का वो भी यहाँ पर मिल रहा है इस यात्रा को। तो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस का ये मकसद किस तरीके से कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होता है। और हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ बागपत ग्राउंड जीरो से इस बीच जुड़ गई हैं। यात्रा का पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण यहां पर, यात्रा शुरू हो चुकी है दूसरा दिन यूपी में आज। पूजा, आज यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, यात्रा शुरू हो चुकी है, कितना उत्साह, कितना जोश से लबरेज यहां पर कार्यकर्ता और खुद राहुल गांधी इस कड़कड़ाती ठंड में दिख रहे हैं। अंजलि, मैं ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हूं और यात्रा का आगाज तमाम दर्शकों को बता दें, इस समय नहीं बल्कि सुबह 6 बजे से हुआ है। और सुबह 6 बजे से जिस क्षेत्र में बागपत में जहां पे हॉल्ट पॉइंट था वहां से राहुल गांधी ने चलना शुरू किया था, अब ये ब्रेक पॉइंट है। यहां पर आकर के यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है और अभी थोड़ी देर के बाद जयराम रमेश पीसी भी करने वाले हैं, उसमें तमाम जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है यात्रा का वो साझा करेंगे। बहुत ज्यादा सर्दी है अंजलि, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ कांग्रेसी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। गुफा वाला बाबा ये क्षेत्र है, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है और ये यात्रा में हम गर्मी भी देखे, बरसात भी देखे, अब सर्दी देख रहे हैं और इतने ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं राहुल जी की इस यात्रा में लोग घर से निकल रहे हैं। 5 बजे, सुबह 5 बजे आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ में लोग चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने आप में एक गौरवपूर्ण है ऐतिहासिक। कहीं उत्तर प्रदेश की सर्दी गला तो नहीं देगी? बिल्कुल नहीं, देखो गर्मी में भी लोग पूछ रहे थे कि चैनल वाले लोग पूछ रहे थे कि गर्मी में कहीं आप लोग बह तो नहीं जाओगे, पसीना में बह तो नहीं जाओगे, तो हम लोग तो बहे नहीं, गर्मी भी देखे हैं, बरसात भी देखे हैं, अब सर्दी भी देख रहे हैं। जो है निश्चित रूप से हमारे पास रहेगा, लेकिन हम चलेंगे और जितने जोश के साथ हम चलना स्टार्ट किए हैं कन्याकुमारी से, उतने ही जोश के साथ हम कश्मीर तक भी पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं सारे भारत यात्रियों के चेहरे में जो चमक कन्याकुमारी में थी, वो चेहरे की चमक अभी भी है, तो वो जोश और उमंग तो अभी भी बचा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा लगभग कई 100 किलोमीटर की ये यात्रा हो चुकी है, 110 दिन कंप्लीट आज हो गए हैं, और ऐसे में वो क्या आपके लिए फोर्सिंग स्पिरिट है जिसकी वजह से आप चल रहे हैं और मोटिवेशन क्या है? देखिए, मोटिवेशन तो सबसे बड़ा हमारे लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के भारत को जोड़ने के लिए और जो समस्याएं इस वक्त देश का एक सामान्य नागरिक झेल रहा है उसका सामना करने के लिए और उन समस्याओं से निदान दिलाने के लिए ये जो ऐतिहासिक यात्रा उन्होंने स्टार्ट की है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्पिरिट तो हमारे नेता हैं। हमारे नेता वही नेता जिनको सलमान खुर्शीद ने कुछ दिनों पहले राम से कंपेयर किया था? देखिए, राम जी से कंपेयर करना या किसी से कंपेयर करना एक अलग बात होती है, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि उनके पदचिन्हों पर उनकी तरह
जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, और ये तो मेरे लिए भी गौरव का विषय है कि मैं यहाँ पर अंजलि आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अजय कुमार लल्लू हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। अजय जी, अजय जी, मैं थोड़ा सा लाइव चल रहा है, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अजय कुमार लल्लू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं ये उत्तर प्रदेश के। अजय जी, भारत जोड़ो यात्रा के 110 दिन पूरे हो चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा आज इस पड़ाव पर है। हम गुफा वाला बाबा मंदिर पे खड़े हुए हैं। गर्मी से लेके सर्दी तक का सफर हो गया और आज इतनी ज्यादा सर्दी है, यूपी की सर्दी से आप जानते हैं, ग्राउंड जीरो पर मैंने आपको खेत में भी काम करते हुए देखा है सर, तमाम चीजें करते हुए देखी। स्पिरिट क्या है और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, भारत जोड़ने की जो परंपरा है, इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की विचारधारा है, जहां प्यार मोहब्बत, सभी धर्मों का सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान, सभी जाति का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान, और खासकर जो देश में नफरत का माहौल है उसे करुणा प्यार में बदलने का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। आप इस लेकिन 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 उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षियों की जो भावना है वो करुणा प्यार में नहीं बदली बहुत ज्यादा। देखिए, हमारा काम है जनता के बीच में जाना, जनता के हक हकूक और अधिकार की लड़ाई लड़ना। आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, जनता के सवाल उठा रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि भारत टूटा कब था, कि जोड़ने की बात है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, छोटा व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, कोरोना के नाते ढेर सारे लोगों ने जान गंवाई, उन लोगों को अब तक किसी तरह का सहयोग नहीं। तो ये जो सारी समस्या है, जो देश की जरूरत है, उसको एक मंच पर लाकर उसी को उठाने का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा। जी, मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए जब भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ, उत्तर प्रदेश में आगाज जिस दौरान हुआ तो सबसे पहले आपने स्मृति ईरानी को निमंत्रण भिजवाया, उसके पीछे मंशा क्या थी वो तमाम पब्लिक समझना चाहती है। देखिए, हमने तो देश के सारे सांसदों को न्योता भेजा, हमने देश के सारे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, स्मृति ईरानी वाला हाईलाइट हो गया, सारे विपक्ष के भाई। देखिए, जो खाता न बही जो मीडिया कह दे वही सही। तो आप लोग जिस मुद्दे को उठाएंगे, अब ये तो बड़ी विडंबना है, देश में बेरोजगारी के सवाल पर तो चर्चा है नहीं, महंगाई के सवाल पर तो चर्चा है नहीं, गिरती अर्थव्यवस्था पर तो चर्चा है नहीं, चर्चा किस चीज पर? राहुल जी के टी शर्ट पर है। राहुल जी को ठंडी क्यों नहीं लगती? लेकिन आपको तो लग रही है, मेरा भी सवाल यही है कि राहुल जी को काहे नहीं लग रही है? देखिए, ये तपस्या है, साधना है, और जो तपस्वी और साधना में लीन होता है ना व्यक्ति, जिसके अंदर जुनून होता है ना, उसे ठंडा, गर्मी, बरसात नहीं लगता, उसको यह लक्ष्य दिखता है कि हमें चलते जाना है और देश के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना है। अजय जी, इस समय कांग्रेस में ट्रेंड है क्या दाढ़ी बढ़ाने का? आपकी भी बड़ी हुई? नहीं, ये तो साधना है, हम लोग लगातार चल रहे हैं यात्रा में, और यात्रा में चलने के दौरान ठीक है, ये तमाम जो बातें थी, दाढ़ी, टी शर्ट, ये सब अपनी जगह पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस यात्रा का एग्जैक्ट मकसद क्या? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है, अभी आपने देखा, घोटालों का प्रदेश बन के पड़ा हुआ है, आयुष घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, एक कुलपति पाठक, विनय पाठक, जो 7 यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर से माना है कि ये जो कुलपति है इनकी डिग्री फर्जी है। अभी 35,000 करोड़ का अभी एग्रीमेंट हुआ है, कैसे विश्वविद्यालय के साथ, जो विश्वविद्यालय है पूरी तरह जिसको नकार चुका गया, फ्रॉड घोषित किया जा चुका है, यानी ये उत्तर प्रदेश ब्रांडिंग का प्रदेश बना हुआ है। 69,000 शिक्षक, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जाना पड़ा ना, सरकार ने तो उसे संज्ञान नहीं लिया। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो श्री राम न्याय ट्रस्ट बना, जमीन खरीदा गया काश्तकारों से और ट्रस्ट के अध्यक्षों ने करोड़ों रुपए में उस ट्रस्ट में स्थानांतरण कर दिया, तो क्या ये घोटाला नहीं दिखता? क्या कभी टीवी में इस डिबेट पर चर्चा हुई है? गन्ना किसान का यह इलाका है, सैकड़ों चीनी मिले लगातार दम तोड़ रही हैं, हजारों करोड़ यानी 7,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, क्या इस पर चर्चा कभी टीवी में हुआ? किसान अन्ना जानवरों से परेशान है, रोज उनके फसल नष्ट हो रहे हैं, जो गौशालाएं बनाई है वहां गाय दम तोड़ रहे हैं, क्या इस पर चर्चा है? लेकिन चर्चा लेकिन तो किस चीज पर है? जयंत जी का कैसे ओढ़ लिया,
राहुल जी ने टी शर्ट क्या पहन लिया, राहुल जी ने जूता कौन सा पहना है। अजय जी, तो इसी पे अजय जी पश्चिम की अगर हम बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी का आपको साथ मिल गया है, समर्थकों के झंडे मैंने बाहर देखे, अभी आरएलडी के झंडे लहरा रहे हैं और भी पार्टियों के लहरा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पत्र लिखकर इतिश्री कर ली उन्होंने। देखिए एक फिल्म आया था जिसमें एक डायलॉग था, गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया वो मर गया। क्या बात है। तो ये जो डर है ना ईडी और सीबीआई का, अच्छे अच्छों का पसीना निकाल देता है, तो अखिलेश जी की क्या मिसाल। जयंत जी नहीं डरते हैं, अखिलेश जी डरते हैं। याद है लखीमपुर की घटना, कौन गया था? सोनभद्र में उंभा की घटना हुई थी, कौन गया था? प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी गई थी। तो वो डर नहीं था। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों की बात करते हैं। विपक्ष कहता है अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष कौन है? विपक्ष जनता तय करेगी ना। जो सड़कों पर लड़ रहा है वो विपक्ष है, जो घर के चारदीवारी में आज गर्मी में बैठा है वो विपक्ष है। आप सब टीवी चैनल के लोग ये सवाल करते थे कि विपक्ष कहाँ है, आज सड़कों पर विपक्ष कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला है। किसके लिए? आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। 2024 में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं अजय कुमार डल्लू? देखिए हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जनता की अदालत में हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे? नहीं, मैं हम तो जनता की अदालत में हैं और हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, लड़ना, संघर्ष करना, लाठी खाना, जेल जाना। जनता तय करेगी हमको किस कुहाने बैठाएगी। हम तो जनता की अदालत में, हम लड़ना जानते हैं। आप जानती हैं एक किसान जब फसल बोता है तो यह सोचता है कि फसल लहराएगी, उस फसल को काटेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, बाकी तो प्रकृति जाने, भगवान जाने। ये खेती 2024 की कटाई तो के लिए? हम तो खेती रोज करते हैं, रोज जनता के बीच में है, बाकी ईश्वर जाने क्या मिलना है। तो ये अजय कुमार डल्लू है अंजलि, इनको सुना आपने साफ तौर पर। भारत जोड़ो यात्रा का जो तमाम मकसद है, इसी तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी, ये जो हॉल्ट स्टेशन है यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इस डॉम में वो भी आपको बता दें। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर राहुल गांधी अभी रुके हुए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जयराम और पीसी में अभी तक का भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। 110 दिन पूरे हो चुके हैं जी। तो बेहद खास रहना हुआ है, मतलब भारत जोड़ो यात्रा का कन्याकुमारी से लेकर उत्तर प्रदेश में चल के आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाटलैंड का चुनाव किया गया, जाटलैंड इसलिए भी तीन लोकसभा क्षेत्र में, बार बार इसको मेंशन इसलिए कर रही हूं अंजलि क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। देखिए इस क्षेत्र का चुनाव करना, जब मैंने 2-4 लोगों से बात करी उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने शुरुआत कन्याकुमारी से करी थी और हमें जाना उत्तर में है, यानी कि श्रीनगर जाना है और ये जो एरिया है ये हमारे रूट में आता है। रूट में ऐसे तो नहीं आ गया, बिल्कुल रूट में इसलिए आया क्योंकि जाटलैंड के अंदर अगर आप इसकी हिस्ट्री समझेंगे तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, बिल्कुल, और आरएलडी का सपोर्ट मिला है और इनडायरेक्टली उसको सपा का भी सपोर्ट समझ लीजिए क्योंकि आरएलडी और सपा गठबंधन में है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। तो देखना होगा कि ये जो सहयोग मिल रहा है आरएलडी का, जयंत चौधरी अभी यहाँ पर आ चुके हैं, जयंत चौधरी से मुलाकात भी होगी, पीसी के दौरान भी वो बैठेंगे यहाँ पर, तो ये जो साथ मिला है कांग्रेस पार्टी को, ये साथ आगामी चुनावों में और आगामी जो भी आयोजन होने वाले हैं, जो भी चीजें होने वाली है, उसमें क्या रंग दिखाएगा। लेकिन मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रही हूँ अंजलि, इस बात को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि 2024 के लिए ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं। 2024 मकसद कहीं से है ही नहीं, बिल्कुल, और हमने आपने जितना सोचा हुआ है कांग्रेस हो सकता है इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद उससे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करे। चलिए प्रदर्शन कांग्रेस का भी देखने को बहुत ज्यादा जरूरी होगा इस यात्रा के बाद। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई थी जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मोहन पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कल कर चुकी है और आज दूसरा दिन है। अभी आपने देखा महत्वपूर्ण बातचीत यहां पर कि किस तरीके से अब ये आगे यात्रा बढ़ेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता दें, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। बड़ी खबर, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, 23वें प्रांत अधिवेशन में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यहां पर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, देहरादून से 23वें प्रांत अधिवेशन में भी शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ।
जी हाँ, देहरादून से बड़ी खबर, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो 23वें प्रांत अधिवेशन में भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। ये कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। अजीत कंबो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो अभी जो पहला बड़ा कार्यक्रम है वो है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का शुभारंभ, जिसको अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के 11 जनपदों के युवा प्रतिभाग करने जा रहे हैं। कई भव्य आयोजन इस कार्यक्रम में होंगे और सीधे तौर पर युवाओं को कैसा आगे बढ़ाना है, इस तरह के तमाम कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और 3 दिवसीय कार्यक्रम राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहा है। इसके बाद सीएम का जो बड़ा प्रोग्राम है वो रुद्रपुर में है, जहाँ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ के सम्मेलन में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।